अस्सलाम वालेकुम। आज मैं चॉकलेट मफ़िन बना रही हूँ। इसके लिए मुझे चाहिए 4 टेबलस्पून बटर, 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, 1 कप शुगर का चाहिए, 2 एग्स चाहिए और कोको पाउडर चाहिए 2.5 टेबलस्पून, मिल्क चाहिए 1/2 कप और प्लेन वनीला एसेंस चाहिए 1 टीस्पून और प्लेन फ्लावर चाहिए हमें 1 कप। बाकी सारी चीज़ों को हम साइड पे कर लेंगे और प्लेन फ्लावर ले लेंगे। इसमें हम बेकिंग पाउडर, कोको पाउडर को डाल के कर लेंगे। प्लेन फ्लावर पहले ही से ही मैंने छान के रखा हुआ है। इनमें ये चीज़ें मिक्स करके साइड पे रख लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है। इसके लिए हमें चाहिए पहले बटर, एक बाउल में बटर लेंगे और इसको अच्छी तरह बीटर की मदद से इसको बीट करेंगे बटर को। अब जितना हम बीट करेंगे उतने ही हमारे मफिन अच्छे बनेंगे। बटर का कलर अब चेंज हो चुका है। अब इसमें हम शुगर ऐड करेंगे थोड़ी थोड़ी करके। 3 हिस्सों में हम शुगर डालेंगे। हम साइडों पे जो शुगर लगी हुई है उसको उतार के हम साइड मिडल में कर देंगे और एक दफ़ा हल्का सा बीट भी करेंगे। अब इसमें हम वनीला एसेंस डाल लेंगे। 10 से 20 सेकंड के लिए इसको फिर बीट करेंगे। अब एक एक करके इसमें हम एग डालेंगे। 10 सेकंड के लिए एग को बीट करेंगे, फिर दूसरा एग डालेंगे और 10 सेकंड 15 सेकंड इसको बीट करेंगे। अब इसमें हम जो हमने प्लेन फ्लावर, कोको पाउडर और बेकिंग पाउडर मिक्स करके रखा था वो सारा इसमें डाल के अच्छी तरह से फोल्ड कर लेंगे। अच्छी तरह फोल्ड करने के बाद इसमें हम 10 सेकंड के लिए इसको फिर बीट करेंगे। और फिर इसमें हम जो मिल्क रखा हुआ है 1/2 कप वो इसमें ऐड कर देंगे और 10 से 20 सेकंड के लिए 10 से 20 सेकंड के लिए हम इसको बीट करेंगे। अगर हमारा बैटर जो है वो थोड़ा सा थिक है तो थोड़ा सा दूध और ऐड कर लेंगे। 10 से 15 मिनट बीट करने के बाद चॉकलेट मफिन का बैटर तैयार है। अब इसको हम अच्छी तरह से फोल्ड कर लेंगे। साइडों पे जो लगा है वो उसको भी उतार लेंगे। अच्छी तरह बैटर मिक्स करने के बाद इनको हम कप्स में डाल लेंगे। वन एंड हाफ स्पून हमने इसमें डालनी है और ओवन को हमने पहले ही प्री हीट कर लिया है 180 की डिग्री में और 25 मिनट में हमारे कप के हो जाएंगे। अब इनको हम ओवन में रखेंगे। 25 मिनट के बाद हमारे चॉकलेट मफिन तैयार हैं। अगर
किसी स्टिक से हम चेक करेंगे, अगर थोड़ी सी कसर हुई, बैटर उसको लगा, तो हम वापस 5 मिनट के लिए रखेंगे। अपन 25 मिनट में हमारे ये चॉकलेट मफिन तैयार हैं। चॉकलेट मफिन बना लेंगे हम। जो बाकी बैटर बचा है उसमें हम चॉकलेट चिप्स डालेंगे, ये वाले थोड़े से ऐड करेंगे, और बाकी जो उनसे हैं 6 हम इसके बनाएंगे। इनको इसी तरह हमने कप्स में डालना है और ओवन में उसी हीट में रखना है, 180 की डिग्री हीट में। थोड़े से इसके ऊपर भी हमने चॉकलेट डाल दी है, तो अभी हम 25 से 30 मिनट के लिए रखेंगे। हमारे चॉकलेट मफिन तैयार हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपनी दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।